हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल का, स्वागत है पारुल के चैनल में, जहाँ मैं लेती हूँ होम रेमेडी डीआईवाईज, मैनी मोर चैलेंज रिलेटेड टू स्किन, हेयर एंड अदर थिंग दैट इज वर्थ इट और नॉट। तो आज हम बनाएंगे चिक एंड लिप टिन। मेरे पास एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसका आपको रिप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए चिक एंड लिप टिन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा वीट रूट। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं हर चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की होती, मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करती हूँ। और इसको हमें थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि वो थोड़ा सा ना गाढ़ा टाइप का हो जाए, तो फिर हम उसका बनाएंगे चिकन लिप टिंट। उसके लिए चाहिए हमें एलोवेरा ऑयल और ग्लिसरीन। हम सिर्फ इन तीन चीज़ों को मिला के हम अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर भी बना सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया था, मैंने इसमें बहुत ही कम ऐड किया था इसका एलो बीट रूट का जूस। इसको हमें थोड़ी देर मिक्स करना होगा सही से, ये फिर हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और अब टाइम है अपने चिक एंड लिप पर ट्राई करने का। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, कि आपने कभी इसको ट्राई किया है घर पे बना के? हाँ चलो हम भी बना के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और आपने अगर इसको बनाया तो आपने इसको कितनी बार ट्राई किया है? और अगर ये ख़त्म हो गया, जैसे इन केस अगर बना के ख़त्म हो गया, तो क्या आपने इसको दोबारा भी बना के रखा है? तो इसको हम करेंगे अपने फर्स्ट चिक पे अप्लाई। मेरे थोड़े से फेशियल हेयर है तो इस बीट रूट ने उनका डायरेक्शन एक ही साइड कर दिया था, और ये ज़्यादा अच्छे से मतलब ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, थोड़ा सा टाइम ले रहा था। तब तक हमें इसको मसाज करना ही करना था जब तक ये पूरा ऑब्जर्व नहीं हो जाता है। और ये बस ठीक ठाक था मेरे लिए, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप मेकअप नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ इसको अप्लाई करके आप थोड़ा सा ग्लो ला सकते हो अपने फेस पर। बाकी ये लिप्स में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले थे, एलोवेरा ऑयल और ग्लिसरीन, जो कि अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ही मदद करता है। पर मुझे एक बात का डाउट है कि इसको हम पता नहीं, वीट रूट तो हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने इसका एक पहले वीडियो बनाया था कि मतलब इसका लिप बाम बना के हम ट्राई करेंगे, वो एक वीक में ख़राब हो गया था क्योंकि उसमें वीट रूट का जूस था, और वीट रूट हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। और ये मेरे ख्याल से ये भी हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखते, मैक्सिमम 1 or 2 weeks, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा था, अगर ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता तो ये बहुत ही अच्छा काम करता, मुझे नहीं लगता फिर हमें मार्केट से खरीदने की ज़रूरत होती। वैसे ये बहुत ही अच्छा काम किया है पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। हम इसको क्लीन फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, पर मुझे लगता है जब हमने मेकअप किया होगा तब हम इसको अप्लाई करेंगे और ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट मैंने ट्राई किया कि हम जो होममेड एलोवेरा होते हैं हम उस पर बना के ट्राई करते हैं क्या रिजल्ट आता है, पर वो इतना अच्छा नहीं बन पाया था क्योंकि वो थोड़ा सा जेली टाइप का हो जाता है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं बन पाया। बहुत पहले मैंने ट्राई किया था फूड कलर से इसको बनाया, वो बहुत ही अच्छा लगा था, इससे तो थोड़ा सा अच्छा था। आपने कभी ट्राई किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, मुझे बहुत जानने की इच्छा है कि हाँ कि जैसे मैं ट्राई करती हूँ और भी लोग करते हैं ट्राई। और आप ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट मतलब DIY कौन सा ट्राई करके देखूँ, ताकि पता चले कि हाँ वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है। वैसे मैं बहुत से करते रहती हूँ पर ज़्यादा मन नहीं करती, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं कौन सा ट्राई करूँ, और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।